दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और ये देखिए अभी शाम हो चुका है, तो अभी भी हम लोग पार्किंग में ही खड़े हैं। ट्रांसपोर्टर और पार्टी को फोन कर करके थक गए, लेकिन बोल रहा भाई अभी घुसाएंगे, 1 घंटा बाद घुसाएंगे 2 घंटा बाद घुसाएंगे, लेकिन लग रहा है कि अब शाम हो गया तो गाड़ी फैक्ट्री में घुसना और लोडिंग होना बहुत मुश्किल है। देखिए दोस्तों अभी हम लोग का सब्जी बन गया है, मस्त सब्जी। आप पंकज भैया को आज हम खुद बनाकर सब्जी खिलाएंगे, काहे कि सोयाबीन का सब्जी पंकज भैया खाए नहीं है गाड़ी में बना के। तो पंकज भैया एक थोड़ा बोल रहे हम नहीं जानते तुम ही बना, हम ही बनाए तो पंकज भैया को आज हम खिलाएंगे। है कि हम बहुत कुछ जानते हैं बनाने, लेकिन हम बनाते नहीं है। यदि हम बनाएंगे तो पंकज भैया को खाना ऐसे तो जब खिला दे तो पंकज भैया बोलेंगे होटल में हमको खाना ही नहीं है, तुम ही बना। और अभी रोहित जी का घर से फोन आया था। दोस्तों आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हैं और हमें ट्रोल करते हैं, और आप लोग कमेंट करते हैं कि रोहित दूसरा जगह नौकरी क्यों छोड़ा, आखिर इसका कारण क्या था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और पिछला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग घर से चल चुके थे रानीगंज जमुड़िया के लिए, और रात में हम लोग फैक्ट्री का पार्किंग में गाड़ी लगा कर सो गए थे। तो ये देख सकते हैं पार्किंग का नज़ारा सुबह सुबह का कुछ ऐसा है। तो अभी बादल छाया हुआ है और हवा थोड़ा चल रहा है, लगता है बारिश आने का संभावना है। वैसे भी रात में थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रहा था, लेकिन हम लोग 1 बजे रात में पहुंचे थे तो पार्किंग में ही गाड़ी लगा के सो गए थे। तो सुबह सूत उठ के रोहित जाके मेन गेट में एंट्री वगैरह सारा कर दिया है, RC लाइसेंस और आधार कार्ड सारा वहाँ जेरोक्स जमा कर दिया है। दोस्तों वहाँ टूल लिस्ट भी बना के रोहित दे दिया है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बगल में ही पीछे चाय नाश्ता का दुकान है, चाय नाश्ता करते हैं, क्योंकि कभी भी बुलावा आ सकता है, फिर हम लोग फैक्ट्री अंदर में ले जाकर माल लोड करना पड़ेगा, तो नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। और वैसे भी राशन हमारा पूरा गाड़ी में भरा हुआ है, सब्जी वगैरह राशन वगैरह सारा ले लिए हैं। तो अभी पहले नाश्ता करके आते हैं, उसके बाद खाना पीना बनाएंगे, और जैसे ही अपना फोन आएगा उसके बाद चले जाएंगे। देखिए दोस्तों अभी जो हम किए थे फैक्ट्री का एंट्री करवाने के लिए, तो वही आधार कार्ड RC और लाइसेंस, मतलब वहाँ पे लगता है, यहाँ का कंपनी का रूल है, तो वही जेरेक्स लगता है सब कुछ। तो वही जेरेक्स वेरेक्स करवा के हम सब कुछ करवा दिए हैं, टूल लिस्ट बनवा दिए हैं, अब खाली हम लोग को बुलावा आएगा, हम लोग को फैक्ट्री के अंदर जाना है। देखिए दोस्तों अभी जा रहे हैं पानी भरने के लिए, तब मंदिर के बगल में पानी है, भर के आते हैं, उसके बाद खाना पीना बनाएंगे अपना, तो चलते हैं। दोस्तों रोहित तो पानी भर के लेके आ गया है, देख सकते हैं उधर पानी भर के ले आया जार में, और इधर अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए आ गए हैं। तो देखिए हम लोग आलू चाप और सब्जी, अभी रोहित भाई का नाश्ता आ रहा है, तो यही कैंटीन है, यहाँ पे बंगाली नाश्ता मिल जाता है, छोला मुढ़ी चॉप और क्या क्या मिलता है रोहित? ये देखिए मीठा, इधर आप लोग नाश्ता कर रहे हैं, बंगाली नाश्ता, ये लेंचा जो मिला है इसका नाम है लेंचा, हम लोग जामताड़ा में इसको लेंचा बोलते हैं, हम बहुत पहले खाए, 3-4 साल का बाद हम खा रहे हैं। जामताड़ा में बनता था, मेरा गाँव है, स्वीट दुकान था उसमें बनता था, लेकिन अब नहीं बन रहा है। तो ठीक है दोस्तों खाते हैं। देखिए दोस्तों इधर चावल चढ़ा दिया, इधर हम भिंडी काट रहे हैं और उधर दाल चढ़ाएंगे, चावल का भात, दाल और भात और भिंडी का भुजिया, यही खाना रहेगा। रोमरोमी आ गया ना, अब नहीं खाना है कुछ भी, यही सब खाना है, अब सादा ही खाना खाना है। ठीक है दोस्तों बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों अब अभी हम लोग का चावल इधर बन गया है, अब जा रहे भिंडी का भुजिया बना, लेकिन उसके बाद लास्ट में दाल बनाएंगे, क्योंकि इधर जो शॉर्टकट खाना है इसको बना लेते हैं जल्दी समय, और दाल को खाके थोड़ा टाइम लगता है, वही चलते हम दाल बोले लास्ट में बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों भिंडी का भुजिया हो गया है, अब जा रहे दाल चढ़ाने के लिए, अब इसको उतार देते हैं। ये देखिए दोस्तों अभी दाल रेडी हो गया, और इधर जीरा और मिर्चा भूज रहे हैं, मतलब छोनेंगे इसको तो इससे हमको बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरा एक बार जांग में छिटका पड़ा था, तो छीटा पड़ा था वही दिन से हम पूरा डरते हैं इससे। देखिए इधर पंकज भैया भी डर रहे हैं और आप भी डर रहे हैं। दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं और हमारा खाना पीना बन चुका है, खाना पीना बना के रख दिए गाड़ी में, तभी खाने का टाइम नहीं हुआ है, 1 बजे के बाद ही खाएंगे। और अभी जो मौसम है ना बहुत ही सुहाना किया हुआ है, बादल छाया हुआ है, धूप भी नहीं है, और एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, ये देख सकते हैं सारा पेड़ जो है कितना ही हवा से पूरा एकदम हिल रहा है, बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है, मतलब गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा बंगाल में भाई। एक बात है इधर जब आते हैं ना तो गर्मी का एहसास नहीं होता, लेकिन कोलकाता तरफ जाते हैं ना भाई बहुत ही ज़्यादा ही गर्मी रहता है। और अभी जो है रोहित खाना बना के ग्रीस डाल दे रहा है कछुआ में, ये देखिए ये कछुआ हम लोग को पूरा ग्रीस डालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जग उठा के देखिए उधर हमारा ग्रीस रखा हुआ है, तो थोड़ा ग्रीसिंग भी कर देते हैं, क्योंकि कछुआ में ग्रीस लगाना बहुत ही जरूरी होता है, जब ग्रीस रहता है तो ट्राली और हॉर्स आराम आराम से दाएं बाएं काटता है,
उसमें क्या होता है लोहा के अंदर का जो प्लेट है वो घिसता नहीं है और चलाने में बहुत ही आरामदायक रहता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, 10 मिनट का काम वो भी कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टर भाई को भी फोन किए, भाई गाड़ी पार्किंग में लगा दिए, एंट्री करवा दिए, टूल लिस्ट बनवा लिए, उसके बाद भी हमारा गाड़ी नहीं घुस रहा है। तो बोल रहा आप वेट कीजिए, गाड़ी घुस जाएगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब इंतजार करते हैं। अब हम लोग गाड़ी जब फैक्ट्री में लेकर आते हैं ना, तो फैक्ट्री वाले का ही मर्जी चलता है, उसका मर्जी होगा तो घुसाएगा, नहीं मर्जी होगा तो नहीं घुसाएगा। क्योंकि DO भी बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि पार्टी जब तक माल नहीं खरीदेगा तब तक दूसरा गाड़ी में लोड कर नहीं सकता है, क्योंकि सबसे पहले पेमेंट चाहिए फैक्ट्री वाला को। तो चलिए वेट करके देख लेते हैं, अगर दिन भर में आज गाड़ी लोड हो जाता अच्छा है, नहीं तो कल तो पक्का लोड होगा ही होगा। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग का खाना निकल गया है, पंकज भैया का भी इधर खाना निकल गया, मेरा भी इधर खाना निकल गया। अब जा रहे हैं हम लोग खाने के लिए, दोपहर का 1 बज चुका है, तभी खाना खा लेते हैं। अरे ये फैक्ट्री में हम लोग का सब कुछ एंट्री उंट्री ओके हो गया है, जब बुलाएगा तभी हम लोग को जाना पड़ेगा। अभी खा रहे हैं, देखिए भिंडी दाल और भात, तो अब तो मीट मछली नहीं चलेगा, तो एक थोड़ा फर्क पड़ेगा, अब हमको ज्यादा दबाव पड़ेगा। यही जल्दे कल खा लिए, आज यदि कुछ मिला तो खा लेंगे, कल से तो फिर खा नहीं पाएंगे, कल से स्टार्टिंग हो जाएगा, यही चलते आज खा ले रहे। चलिए ठीक है दोस्तों, इधर हमारा भी खाना लगा हुआ है, भिंडी का भुंजिया, दाल चावल, खाना बढ़िया है, सादा सादा भी खाना खाना चाहिए, रोज मटन चिकन अच्छी बात नहीं है। लेकिन रोहित का दिल नहीं मानता है भाई, अब रोहित के चक्कर में हमको भी मटन चिकन लाना पड़ता है भाई, खर्चा तो हो रहा है लेकिन क्या करें, गाड़ी घोड़ा लेने में मटन चिकन ही ज्यादा चलता है। चलिए ठीक है दोस्तों, पहले खाना खाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग का गाड़ी घुसा नहीं है, सुबह एंट्री करवा दिए थे, तो अभी तक लग रहा हमको पार्टी पैसा नहीं डाला होगा तो DO नहीं आया होगा, दो काम हो सकता है। अभी देखिए सब्सक्राइबर भाई लोग आए हैं मिलने के लिए, अभी मिल रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं वहीं पर सब्सक्राइबर भाई लोग आ जाते हैं, बढ़िया लगता है मिलने में, मिल के अभी बहुत खुशी हुआ दोस्तों। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और ये देखिए अभी शाम हो चुका है, तो अभी भी हम लोग पार्किंग में ही खड़े हैं, ट्रांसपोर्टर और पार्टी को फोन कर करके थक गए, लेकिन बोल रहा भाई अभी घुसाएंगे, 1 घंटा बाद घुसाएंगे, 2 घंटा बाद घुसाएंगे, लेकिन लग रहा है कि अब शाम हो गए, गाड़ी फैक्ट्री में घुसना और लोडिंग होना बहुत मुश्किल है। ये देखिए बगल में हमारा ही चौपारण तरफ का गाड़ी है, तो रोहित भाई को अंकल के साथ में भेज दे रहे सब्जी लाने के लिए, बगल में चौराहा में सब्जी वगैरह सब मिलता है, तो सारा राशन है हमारे पास, सिर्फ सब्जी ताज़ा नहीं है, हरा सब्जी, अभी हरा सब्जी लाने के लिए भेजते हैं, तो रोटी और हरा सब्जी बनाएंगे। और दोस्तों हर बार हमारे साथ धोखा हो जा रहा है, बताइए कल रात में बुला लिया कि कल सुबह सुबह गाड़ी लोड कर देंगे दिन में और आप निकल जाएगा, तो क्या दिन भर हम ट्रांसपोर्टर को फोन लगाते रह गए लेकिन कोई मेरा सुना नहीं, तो यही सब होता है। आप कितनों करोड़ों का ट्रक मालिक रहिएगा लेकिन यहाँ फैक्ट्री में जब आ जाइएगा ना, तो आपको भी वही कानून और नियम के तहत काम करना पड़ेगा, फैक्ट्री वाला का मन होगा तो लोड कराएगा, नहीं लोड होगा तो नहीं करवाएगा। अब इन लोग का पेमेंट का लफड़ा है कि DO का लफड़ा है ये तो हमको पता नहीं है भाई। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब लग रहा है मुश्किल है, तो कल का ही लगता कुछ करना पड़ेगा लोडिंग का, बाकी फिलहाल अभी भेज देते हैं रोहित जी को अंकल के साथ में, तो अंकल जी हम बगल में देखे हैं दुकान कहाँ मिलता है साग सब्जी वगैरह, तो लेकर आते हैं, बनाते खाते हैं। देखिए दोस्तों, सब्जी तो कुछ मिला नहीं और ये सोयाबीन लेके आ गई है, अब पंकज भैया बोलते हैं सोयाबीन हम बनाने नहीं जानते, तो हम बोले हम बनाएंगे, आप टेंशन काहे लेते हैं, अधिक से ज्यादा तो खाना हम ही बनाते हैं, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मीट से लेके सब्जी तक हरा सब्जी तक टेंशन मत लीजिए, खाएंगे नहीं होंगे बना के गाड़ी में तो हम बनाएंगे, हमको यहाँ मिलता नहीं है सेव भाजी वाजी, तो भी हम बनाने बहुत अच्छा जानते हैं, जाएंगे कहीं बाहर निकलेंगे तो सेव भाजी यदि हम छत्तीसगढ़ तरफ गए तो लेंगे और सेव भाजी लेकर रख लेंगे, क्योंकि सेव भाजी हम बहुत ज्यादा खाते हैं, सेव भाजी अच्छा लगता है, तभी ये सोयाबीन बनाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग का सब्जी बन गया है, मस्त सब्जी, और पंकज भैया को आज हम खुद बना के सब्जी खिलाएंगे, क्योंकि सोयाबीन का सब्जी पंकज भैया खाए नहीं है गाड़ी में बना के, तो पंकज भैया एक टोड़ा बोल रहा हम नहीं जानते तुम ही बना, हम ही बनाए, तो पंकज भैया को आज हम खिलाएंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ जानते हैं बनाने लेकिन हम बनाते नहीं है, यदि हम बनाएंगे तो पंकज भैया को खाना ऐसे तो जब खिला दें तो पंकज भैया बोलेंगे होटल में हमको खाना ही नहीं है तुम ही बना, तो हम जानबूझ कर नहीं बनाते, काहे कि हमको भी अच्छा नहीं लगता है, चलते हम बोलते चलिए होटल में खा लेंगे, लेकिन पंकज भैया को हम धीरे धीरे बना के खिला रहे हैं और पंकज भैया को सेव भाजी भी खिलाएंगे। देखिए दोस्तों, इधर सब्जी रेडी होगी, आप जा रहे हैं रोटी बनाने के लिए, तो रोटी बना रहे हैं अभी, तो ये रोटी बना रहे हैं, देख सकते हैं रोटी फूल रहा है, ये एक्सपीरियंस है करीब
पांच साल से इसका एक्सपीरियंस। इसके लिए हमको पीछे में एक लात खाना पड़ा था पीठ में, जब हम रोटी नहीं बना पाते थे। उस टाइम नया नया थे, उस टाइम नादानी दिमाग था, उस टाइम नहीं समझ पाते थे। लेकिन जब मार पड़ा ना हमको, वही दिन से दूसरा दिन से रोटियां बेलने सीख गए हम। दोस्तों हमारा रात का खाना बन चुका है, ये देखिए दोनों भाई का खाना लग चुका है, सोयाबीन और आलू का सब्जी और रोटी। तो चलिए खाते हैं, फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हैं सोयाबीन का सब्जी हम लोग गाड़ी में, बढ़िया ही लग रहा है खाने में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हमारा खाना पीना हो चुका है। तो आज दिन भर गाड़ी हमारा पार्किंग में ही खड़ा रहा, माल तो लोड नहीं हुआ। तो अभी ट्रांसपोर्टर को फ़ोन लगाएं कि भैया हमारा गाड़ी लोड होगा कि नहीं होगा, तो बोला भैया कल आपका गाड़ी लोड हो जाएगा। तो रात भर हमको फिर आज पार्किंग में रुकना पड़ेगा। और अभी रोहित जी का घर से फ़ोन आया था, तो रोहित जी का जो पैन कार्ड अप्लाई किए थे वो जामताड़ा पहुँच चुका है। तो मुझे बहुत ही खुशी लग रहा है कि चलिए आधार कार्ड सुधार होने के बाद पैन कार्ड का भी अप्लाई कर दिए, तो पैन कार्ड जामताड़ा में पहुंच गया है। और रोहित का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में किसी भी दिन 4-5 दिन के अंदर में जाके अप्लाई कर देंगे। कारण क्या है कि हमारा यूट्यूब पेमेंट 22 से 25 अप्रैल के बीच में आएगा, तो 8,000 रुपये लग रहा है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में। तो अभी शुरू में 4,000 रुपये जमा करना है और 4,000 जब बन जाएगा उसके बाद जमा करना है। तो चलिए ये महीने का लास्ट वीक में हम इसका ड्राइविंग लाइसेंस वाला काम कर देंगे। और दोस्तों आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हैं और हमें ट्रोल करते हैं, तो भाई एक बात बताइए इसमें मेरा क्या गलती है। रोहित जी 5 महीने से अपने घर पे बैठे हुए थे, तो हमको मैसेज किए कि भैया आपका ट्रक पे हम काम करना चाहते हैं। तो हम रोहित को ला कर रखे हैं और रोहित को अपना ट्रक का भी मंथली दे रहे हैं, यूट्यूब से भी पेमेंट दे रहे हैं। रोहित का शुरू से ही मटन चिकन खाने वाला लड़का है, वो बार बार बोलता है मटन चिकन हम खाएंगे, तो हमको लाना पड़ता है, उसके साथ हम लोग भी खा लेते हैं। ऐसा बात नहीं है कि रोहित मटन चिकन का अगर मांग करता है तो हम नहीं खाते या विकास नहीं खाता है, किसी की वजह से भी मटन आता है तो हम लोग सभी भाई लोग खाते हैं। और ट्रक ड्राइविंग में मटन चिकन कुछ ज़्यादा ही चलता है, इसके वजह से रोहित का शुरू से खाने का आदत है, तो हमको भी लेकर आना पड़ता है। और आप लोग कमेंट करते हैं कि रोहित दूसरा जगह नौकरी क्यों छोड़ा, आखिर इसका कारण क्या था। तो भाई इसका जवाब रोहित ही जी दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगला क्या हुआ है नहीं हुआ है हमको कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, हमको कुछ पता नहीं है, वो रोहित ही जवाब देगा। रोहित से भी हम पूछे तो बोला कि भैया समय आने दीजिए, हम इसका जवाब देंगे कि आखिर हम नौकरी क्यों छोड़े और आपके पास क्यों आए, हम 5 महीने घर पे क्यों बैठे हुए थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रोहित जी को ही पता है और रोहित जी इसका जवाब दे सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है भाई। और ना ही मैं इस पर कुछ ज़्यादा बोल सकता हूँ, मुझे कंट्रोवर्सी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये सब लफड़े में पड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइवर का काम होता है अपना ट्रक को बढ़िया से लोड करके एक जगह से दूसरा जगह माल पहुँचाना, हमको ये सब लफड़े में पड़ना नहीं है भाई, क्योंकि अगर 2 रुपये हम कमा रहे हैं ट्रक से तभी हमारा घर परिवार संसार सारा चल रहा है, इसीलिए इस चक्कर में पड़ते नहीं हैं। बाकी आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और कॉमेंट थोड़ा अच्छा कीजिए ताकि हमारा हौसला अफजाई हो, क्योंकि वीडियो एडिटिंग से करने से लेके सारा मुझे ही करना पड़ता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, जय हिंद, रिस्पेक्टेड ड्राइवर।